मोहब्बत की है गुलामी नहीं कि रुच है मिलन की साथी मेरे यारे। ये अदाकारा बला की खूबसूरत थी। जब भी वो सिनेमा के बड़े पर्दे पर नजर आती तो उनकी एक एक अदा के दर्शक दीवाने हो जाते थे। उनका स्टाइल उस समय की सभी अभिनेत्रियों से बिल्कुल अलग था। उस जमाने में शर्मिला टैगोर के बाद फिल्मों में बिकनी पहनने वाली ये दूसरी अदाकारा थी। रंग तेरे में ये तने रंग लिया, तने क्या है मैंने मन रंग। वो इतनी उम्दा कलाकार थी कि उस समय के तमाम सुपरस्टार इनके साथ काम करना चाहते थे। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी था कि इनमें से कुछ अभिनेताओं ने उन्हें बी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन जानकर उनके साथ काम करने से मना भी किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुपरस्टार राजेश खन्ना की ज्यादातर हिट फिल्में इसी अभिनेत्री के साथ हैं। वो इतनी दरियादिल थी कि उन्होंने एक पल बिना सोचे अपनी मर्सिडीज कार की चाबी उन दिनों फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे अमिताभ बच्चन को गिफ्ट कर दी थी। लेकिन ऐसा क्यों था कि उस समय की दूसरी हीरोइने इनसे बात करना पसंद नहीं करती थी? क्यों अभिनेता दारा सिंह ने उनके लिए कहा था कि मुमताज को बॉलीवुड ने उनसे छीन लिया? क्यों अपने करियर के शिखर पर उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था? जानेंगे इस अभिनेत्री के बारे में और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में अपनी एक बेहद खास जगह बनाने वाली अभिनेत्री मुमताज की। क्या सोच रहा रे, जाना जा जाना ले जा मेरा। वे इतनी सफल अदाकारा थी कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक तरफ इनके समय की सभी अभिनेत्रियां राजेश खन्ना के साथ काम करने के लिए तरसती थी, वहीं मुमताज राजेश खन्ना की पहली पसंद हुआ करती थी। उनको इस कदर पसंद किया जाता था कि इनकी फिल्म रिलीज होने से पहले ही हिट मान ली जाती थी। यहाँ तक कि इनकी सफलता और शोहरत का आलम ये था कि उस समय की अन्य अभिनेत्रियाँ जलन के मारे इनसे बात करना पसंद नहीं करती थी। लेकिन ये सफलता मुमताज को विरासत में नहीं मिली थी। इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया था। चलिए बात करते हैं शुरू से। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 में मुंबई के ही एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। परिवार में मुमताज के अलावा एक बहन और दो भाई भी थे। मुमताज उस वक्त मात्र 1 साल की थी जब उनके पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया। ऐसे वक्त में परिवार की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी मां पर आ गई। पैसों की तंगी में इस परिवार ने काफी सालों तक बेहद परेशानियों का सामना किया। ऐसे में घर का खर्चा चलाने के लिए 11 साल की मुमताज और उनकी बड़ी बहन ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। ईयर 1958 में मुमताज ने अपनी पहली फिल्म की एक बाल कलाकार के रूप में। फिल्म का नाम था सोने की चिड़िया। इसके बाद फिल्म तलाक में भी उन्होंने काम किया, लेकिन इस फिल्म में बहुत सारे बच्चों के बीच में वो एक पल के लिए आई और चली गई। 2 साल के बाद ईयर 1961 में फिल्म स्त्री में उन्हें काम मिला।
ईयर 1962 में कुछ और अन्य फिल्मों में उन्हें काम मिला, लेकिन इन सभी फिल्मों में वो एक एक्स्ट्रा कलाकार के तौर पर ही दिखाई दी। उन्हीं दिनों अभिनेता दारा सिंह, जो कि पहले पहलवान हुआ करते थे, अपनी फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे। यहाँ दारा सिंह की परेशानी ये थी कि अन्य हीरोइनें उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थी। तभी दारा सिंह की मुलाकात मुमताज के साथ हुई और दारा सिंह को मुमताज अपनी फिल्म के लिए पसंद आ गई और इस तरह बतौर हीरोइन मुमताज को अपनी पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम था फौलाद, जो ईयर 1963 में रिलीज हुई। ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छाई तो सिर्फ अच्छों से की जाती है। तो क्या मैं बुरी हूँ? बुरी तो नहीं, आप काफी अच्छी हैं। चलिए माया। उस समय मुमताज केवल 14 साल की थी। इस फिल्म में उनके काम को काफी पसंद किया गया और इसके बाद तो दारा सिंह और मुमताज ने एक के बाद एक बहुत सारी फिल्मों में साथ में काम किया। कुल मिलाकर दोनों ने 16 फिल्में की। तेरा दिल मुझको छोड़ कर बना तेरा, जिसमें टार्जन कम्स टू दिल्ली, रुस्तम ए हिंद, डाकू मंगल सिंह और राका जैसी फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं। तब मुमताज को प्रत्येक फिल्म के लिए 2.5 लाख रुपए मिला करते थे। इस तरह मुमताज के करियर को बनाने में दारा सिंह का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। यहाँ तक कि इन दोनों के अफेयर की चर्चा भी उन दिनों तूल पकड़ गई थी और दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे। इधर मुमताज की बहन मल्लिका की भी दारा सिंह के दूसरे पहलवान भाई से शादी हो गई, लेकिन मुमताज के करियर ने अब एक नया सुहाना मोड़ ले लिया था। इस वजह से मुमताज और दारा सिंह को साथ में समय ही नहीं मिल पाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच काफी दूरी आ गई। एक इंटरव्यू के दौरान दारा सिंह ने अपने दिल का हाल बयां करते हुए बोला था कि बॉलीवुड ने मुमताज को मुझसे छीन लिया है। ईयर 1966 में मुमताज को दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। ज्यादा पीटर पीटर की ना मुझसे तो किसी कोड़ी बुड्ढे के पल्ले बांध के गांव से निकाल दूंगा तुझको, समझे? किसी कोड़न गुड्डी को अपने गले क्यों नहीं बांध लेता, जोड़ी अच्छी रहेगी। क्या बोलते थे? मामा! और चिल्लाओ, ओ मामा! ये फिल्म थी राम और श्याम, लेकिन इस फिल्म से मुमताज को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। और फिर वो फिल्म आई जिसने मुमताज के फिल्मी करियर को आसमान पर पहुंचा दिया। फिल्म का नाम था दो रास्ते। अरे बाबा, आई पिटी द गुड जोक, टेल अस, हम भी हंसेंगे। इस फिल्म के गाने बेहद लोकप्रिय हुए और अब मुमताज के लिए फिल्म इंडस्ट्री में एक खास जगह बन चुकी थी। खिजा के फूल पे आती कभी। ईयर 1966 में ही इस जोड़ी की एक और फिल्म बंधन रिलीज हुई। दो रास्ते और बंधन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। खाना है तो खाए, नहीं तो खड्डे में जाए। खड्डे में जा तू, तेरे बड़े, तेरा पूरा कुल, तेरा सारा खानदान, मैं तुझे टुकड़े डालने को आऊं और तू मुझे ही काटने को दौड़े, कुत्ते! क्या कहा, मुझे कुत्ता कहा? तेरे बाप की रोटी है। हाँ हाँ, मेरे बाप की रोटी है। इसके बाद मुमताज को कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मुमताज को उस समय के सभी बड़े सितारों के साथ काम करने के ऑफर आने लगे। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं लेकिन जिस जोड़ी को सबसे ज्यादा दर्शकों का प्यार मिला वो राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी ही रही। दोनों की जोड़ी ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी, या फिर यूं कहें कि राजेश खन्ना की ज्यादातर सुपरहिट फिल्मों में उनके साथ मुमताज ही थी। इसी
साल उनकी कुछ और फिल्में भी रिलीज हुई, लेकिन अगले साल यानी ईयर 1970 में उनके फिल्मी करियर में चार चांद लगाने वाली फिल्म खिलौना रिलीज हुई। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्री बना दिया। इसमें उनके साथ संजीव कुमार थे। ये फिल्म बेहद सफल रही, यहाँ तक कि इस फिल्म के लिए मुमताज को अवार्ड भी मिला। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल। ईयर 1971 में ही एक बार फिर राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म सच्चा झूठा भी रिलीज हुई और ये फिल्म भी दोनों की सफल फिल्मों में से एक रही। रंग रूप देखे तो देखे जमाना, हम प्यार के हैं दीवाने। ईयर 1971 में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में वे देवानंद के साथ भी दिखाई दी। अब तक मुमताज फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल कर चुकी थी जहां वो अपने लिए फिल्म में निभाने वाले किरदार को पसंद या नापसंद कर सकती थी। दरअसल देवानंद ने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में मुमताज को अपनी बहन का किरदार निभाने का ऑफर दिया था, लेकिन मुमताज ने देवानंद की बहन का किरदार निभाने से मना कर दिया। तब फिल्म में उनकी बहन का किरदार जीनत अमान ने और उनकी हीरोइन का किरदार मुमताज ने निभाया। मुश्किल है जीना, दे दे ओ हसीना, वापस मेरा दिल। मुमताज बेहद ही कठिन परिश्रम और लगन से अपना काम कर रही थी। परिणाम स्वरूप ईयर 1971 में ही उनकी और आठ फिल्में रिलीज हुई। ये फिल्में थी दुश्मन राजेश खन्ना के साथ, चाहत जितेंद्र के साथ, कठपुतली जितेंद्र के साथ, उपासना संजय खान के साथ, मेला फिरोज खान के साथ और एक नारी एक ब्रह्मचारी में मुमताज फिर से जितेंद्र के साथ दिखाई दी। फिल्म दुश्मन एक ऐसी फिल्म थी जो भावनाओं से ओतप्रोत थी और यहाँ भी इस जोड़ी यानी राजेश खन्ना एवं मुमताज की जोड़ी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। मैंने देखा, तूने देखा, किसने देखा, उसने देखा, सबने देखा, क्या देखा, क्या देखा। ईयर 1972 में राजेश खन्ना के साथ ही उनकी एक और फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था अपना देश। इसके अलावा उनकी अन्य फिल्में जो इस साल रिलीज हुई वो थी रूप तेरा मस्ताना जितेंद्र के साथ, टांगे वाला राजेंद्र कुमार के साथ, धड़कन संजय खान के साथ, प्यार दीवाना किशोर कुमार के साथ और अपराध फिरोज खान के साथ में मुमताज नजर आईं। फिल्म अपराध एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मुमताज ने जमकर एक्सपोज किया था। दरअसल इस फिल्म में मुमताज ने बिकनी पहनी थी, लेकिन आज के समय में और उस समय में हीरोइन के स्टेटस में बहुत बड़ा अंतर होता था, इसीलिए ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने इस तरह से एक्सपोज किया था। इसी दौरान मुमताज का नाम फिरोज खान के साथ जुड़ने की खबरों ने भी खूब तूल पकड़ा था। इस फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया था। 50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 2.5 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था। फिरोज खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं मुमताज का एहसानमंद रहूंगा क्योंकि अपराध एज अ डायरेक्टर मेरी पहली मूवी थी और मुमताज जो उस समय टॉप हीरोइन थी उन्होंने मेरी फिल्म में काम करना स्वीकार कर लिया था। ईयर 1973 में फिल्म बंदे हाथ में मुमताज ने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जब मुमताज को ये पता लगा कि अमिताभ बच्चन को उनकी मर्सिडीज गाड़ी बेहद पसंद है, तब उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी मर्सिडीज कार की चाबी अमिताभ बच्चन को दे दी थी। दरअसल अमिताभ उन दिनों एक पुरानी फिएट कार इस्तेमाल किया करते थे जिसे बहुत तेज आवाज आती थी। उस समय मुमताज एक टॉप की एक्टर थी और अमिताभ बच्चन एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। ईयर 1973 में ही उनकी फिल्में थी
झील के उस पार धर्मेंद्र के साथ प्यार का रिश्ता विनोद खन्ना के साथ और लोफर में मुमताज दोबारा धर्मेंद्र के साथ नजर आई थी। अब बात करते हैं उन दो ऐसे एक्टर की जिन्होंने मुमताज के साथ उस समय काम करने से इनकार कर दिया था जब वे बी ग्रेड फिल्मों में काम किया करती थी। दरअसल वी शांताराम मुमताज को लेकर फिल्म बूंद जो बन गई मोती के निर्माण की तैयारी कर रहे थे। उसी फिल्म के सिलसिले में उन्होंने जितेंद्र को अप्रोच किया था पर जितेंद्र ने मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। कारण वही था कि मुमताज उनके बराबर की नहीं थी और बी ग्रेड फिल्मों से बिलोंग करती थी। लेकिन वी शांताराम ने जितेंद्र को ये बता दिया था कि फिल्म में मुमताज तो हीरोइन के तौर पर जरूर रहेंगी, वे हीरो के लिए किसी और की तलाश कर सकते हैं। तब जाकर जितेंद्र ने फिल्म बूंद जो बन गई मोती में मुमताज के साथ काम किया। लेकिन उसके बाद मुमताज और जितेंद्र ने काफी सारी फिल्मों में साथ में काम किया। जिसमें ईयर 1969 में जिगरी दोस्त, 1970 में माँ और ममता और ईयर 1972 में रूप तेरा मस्ताना जैसी फिल्मों का जिक्र किया जा सकता है। मुमताज के साथ काम करने के लिए मना करने वाले दूसरे एक्टर थे शशि कपूर, जिन्हें पहले मुमताज के साथ फिल्म सच्चा झूठा के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन उन्होंने मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। तब सच्चा झूठा का निर्माण राजेश खन्ना और मुमताज को लेकर किया गया था। अब ईयर 1974 में शशि कपूर मुमताज को अपनी फिल्म चोर मचाए शोर में लेना चाहते थे। इस बार बारी मुमताज के मना करने की थी और उन्होंने शशि कपूर को मना किया भी, लेकिन उनके बार बार रिक्वेस्ट करने पर आखिर मुमताज मान गई और चोर मचाए शोर में वे शशि कपूर के साथ दिखाई दी। ईयर 1974 में ही उनकी दो और फिल्में आई थी आपकी कसम और रोटी। इन दोनों ही फिल्मों में वे राजेश खन्ना के साथ थी और दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब बिजनेस किया। मुमताज और राजेश खन्ना का नाम फिल्मों में ही नहीं बल्कि इनके अफेयर्स के लिए भी खूब चर्चित हुआ। लेकिन राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी के साथ ही इन सभी खबरों पर विराम लग गया। वही ईयर 1974 में मुमताज ने भी व्यवसायी मयूर वाधवानी जो कि एक NRI थे उनसे शादी कर ली। शादी के बाद भी मुमताज ने अपने एक्टिंग को जारी रखा। ईयर 1975 में प्रेम कहानी और 1976 में फिल्म नागिन में काम करने के बाद सफलता के शिखर पर होते हुए भी इस अभिनेत्री ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और वे अपने पति के साथ लंदन में जाकर बस गईं। 13 सालों की लंबी छुट्टी के बाद ईयर 1990 में मुमताज ने फिल्म आंधिया में एक छोटा सा रोल किया और इसके बाद उन्होंने फिल्मों को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। मुमताज दो बेटियों की माँ है जिनका नाम नताशा और तान्या है। नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से ईयर 2006 में हुई। इस तरह फरदीन खान मुमताज के दामाद हैं। उनकी दूसरी बेटी तान्या भी अपने पति के साथ विदेश में सेटल्ड है। ईयर 1954 में मुमताज को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ पर इस गंभीर बीमारी से अब वे पूरी तरह बाहर आ चुके हैं। मुमताज को ईयर 1997 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं
तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।